बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान देसी रेसिपीज यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज की जो रेसिपी है वो क्या है, वो जो है हम बना रहे हैं एक सब्जी, और वो है ग्रीन लोबिया की सब्जी, यानी कि हम जो है आलू लोबिया बना रहे हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही मसाले वाली और बहुत ही चटपटी सी बनती है और आसानी से बन जाती है और ज़्यादा मसाला भी नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें भी आपको रिक्वायर नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को, और देर नहीं करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर लोबिया है। आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन लोबिया ली हैं, जो फलियाँ नहीं होती हरे, जिसको हम सब्जी वाली दुकान से जो मिलती हैं, तो उसमें से मैंने लोबिया निकाल लिए हैं। ये देख लें आप, इस तरह के हैं और ये हमने लेने हैं। और जो है ये जो है तकरीबन एक पाव के करीब है। और इसके अलावा जो है मैंने आलू लिए हैं, आलू आप देख सकते हैं मैंने इस तरह काट लिया है इस फॉर्म में। और ये आपको क्या कितने चाहिए, ये आपको तकरीबन जो है मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसको मैंने कट कर लिया है। और इसके अलावा जो है हमें चाहिए चिली पेस्ट है, ये तकरीबन जो है दो खाने के चम्मच है, या पाउडर इस्तेमाल करिए तो इतना ही जाएगा। हसब ज़रूरत नमक है साथ में। और ये यहाँ पे जो है एक हाफ कप के करीब जो है ऑयल है या घी कह लें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हसब ज़रूरत एक मैंने जो है कट करके रखी थी जो ग्रीन चिली है वो बड़ी काट के रखी है। एक थोड़ा सा जो है धनिया है वो हम एंड पे ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है हाफ टी स्पून के करीब जो है गरम मसाला पाउडर है। और जो है यहाँ पे चार अदद हरी मिर्ची मैंने इसको पेस्ट बना लिया है वो है। और साथ में जो है हल्दी पाउडर या पेस्ट है वो तकरीबन जो है हाफ टेबल स्पून है, या वन टी स्पून है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है, वो जाएगा इसके अंदर। एक मीडियम साइज प्याज था उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे जो है धनिया पाउडर है, खुश धनिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और हाफ टेबल स्पून जो है ज़ीरा पाउडर है, और हाफ टी स्पून के करीब जो है काली मिर्च पाउडर है। एक प्याली या एक कप जो है हमने क्या लेना है, ये मैंने जो लिए हैं टमाटर, और टमाटर को मैंने जो है छोटा छोटा काट लिया है। और जो है ये एक्चुअली हमारे मसाले में जो है थोड़ा सा मसालेदार जो है हमारी सब्ज़ी को बना देगा, तो हमने इसलिए जो है थोड़े से टमाटर ज़्यादा लिए हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें रिक्वायर होगी हमारे आज की मज़ेदार सी जो है आलू लोबिया की सब्ज़ी बनाने के लिए। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और एक और बात जो है यहाँ पे बताते चलूँ कि आप जो है नमक मिर्च का हिसाब अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर लिया करें, कम कर लें ज़्यादा कर लें, जो है आप जैसा चाहते हैं कर लिया करें। और मेरे जो कि मोस्टली जो जो मेरी रेसिपीज होती है उसमें नॉर्मल सा नमक और मिर्च होता है। जिन लोगों को स्पाइसी पसंद है वो स्पाइसी कर लें, जिनको तो है इससे भी स्पाइसी पसंद है वो स्पाइसी कर लें, जिनको नहीं पसंद है नॉर्मल से भी फीका खाते हैं तो वो फीका कर लें, तो है ये आपकी ही चॉइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रेसिपी को, और देर नहीं करते। एक बर्तन लेंगे और उसके स्टोव को ऑन करेंगे। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल ऐड कर दिया मैंने। अब जो है साथ ही में इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। आज जो है मैंने
मीडियम रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं है, दो मीडियम सी आंच है, और इसको हल्का हल्का जो है भूनना स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, कोशिश किया करें कि जो आपने ऑयल के अंदर जो है ठंडे ऑयल के अंदर प्याज ऐड किया करें। क्यों ये करती हूँ मैं, और आपने देखा होगा मोस्टली कि बल्कि मैं प्याज ऐड करके ऑयल ऐड कर रही होती हूँ, तो वजह यही है कि आप जब इस तरह करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है या उसकी जो कहते हैं ना पंजन स्मेल होती है, जो नहीं पसंद होती है, अक्सर खानों में भी आ रही होती है, और तो वो नहीं होती, यानी कि इससे जो है ना मज़े का टेस्ट बन जाता है जब आप ठंडे ऑयल में ऐड करती हैं और घी में ऐड करती हैं प्याज को। और अगर आप देख सकते हैं कि जब आप फुल गर्म ऑयल में ऐड करेंगे तो जल्दी से वो जो है वो ब्राउन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो जो है उसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो पाती। ऊपर से आपको लग रहा होगा ये डन हो गई है, लेकिन उसकी रॉ स्मेल जो है ख़त्म नहीं होती, तो दैट्स व्हाई जो है आप इसके अंदर जो है ठंडे ऑयल में ऐड किया करें इसको प्याज को। और देखिए ये पकना स्टार्ट भी हो गए हैं, इसको हल्का अब जो है मीडियम आंच है मेरी, और इसी आंच पे जो है तकरीबन हल्का हल्का सा मैं इसको ब्राउन करूँगी, यानी जैसे आप मोस्टली सालन का जो तैयार करते हैं प्याज को, यानी कि इसके जो किनारे हैं हल्के हल्के वो थोड़े थोड़े से ब्राउन होना स्टार्ट कर दें, तो फिर हम जो है नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो तकरीबन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। चम्मच साथ साथ ही लाते जाएं ताकि ये इक्वली जो है फ्राई हो जाए। इसको तकरीबन एक मिनट हम लगाएंगे भूनते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट को। एक मिनट हो चुका है, तो अब इसके अंदर जो है हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने, और साथ ही जो है इसके अंदर जो है हल्दी पेस्ट और साथ ही जो है गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने। इसको हल्का सा भूनेंगे, अब साथ ही जो है हम रेड चिल्ली पेस्ट ऐड कर देंगे या पाउडर, साथ ही नमक ऐड कर दें। इस टाइम पे आके जो है हम हल्का सा इसको पानी का छींटा लगाएंगे या एक टेबलस्पून के करीब। मिर्चों को हल्का हल्का भूनेंगे। अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रही हैं तो इसी दौरान में या भी जो है आप ऐड कर दें टमाटर। मैं ज़रा सा भूनूंगी इसको, उसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर ऐड कर दें। टमाटर ऐड करने के बाद एक से दो मिनट इसको जो है, अब मैंने आंच जो है मैं बता रही हूँ कि आंच मैंने हल्की कर दी है इसकी, थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी कम है, तो इस टाइम पे आके इसको हल्का सा जो है भूनेंगे और टमाटर जो है थोड़ी सी नरम हो जाए, फिर इसके अंदर जो है हम नेक्स्ट ऐड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर जो है नरम हो चुके हैं, इस टाइम पे आके हम जो है इसके अंदर फलियां ऐड करेंगे, लोबिया की ग्रीन वाली, ये देखें इस पे लहमन रहीम स्टार्ट करते जाएं। मैंने ऐड कर दी है, अब क्या करेंगे हम इसको ज़रा थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है थोड़ी बहुत जो कच्चापन होता है तो वो थोड़ा सा निकल जाए।
आँच अभी भी मेरी धीमी है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करने से जो मसाला है वो हमारा वो जल जाएगा, वो हमें जला हुआ मसाला नहीं चाहिए। दो तीन मिनट मैंने भून लिया है इनको, और जो है आप देख सकते हैं अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड कर दिए हैं मैंने, और अब इसके साथ ही जो है हम जो मसाला हमने रखा था, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च, वो हम ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है इसका, और कितना प्यारी लग रही हैं देखने में भी, इंशाल्लाह ताला खाने में भी इतनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी होंगी। और अब क्या करेंगे हम, अब जो है इसको ढांप के जो है हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है इसको गलाएंगे, फलियों को भी और जो हम लोबिया ऐड किया है वो, और साथ में आलू को भी। और इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, और इसको दम ही में ही हमने इसको गलाना है। तो ये मैं करती हूँ, जब ये डन हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। जो है तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं, और हमारी जो है सब्जी यानी कि आलू लोबिया बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा मसाले वाला और बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा हमारा जो है लोबिया आलू या आलू लोबिया रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट करूँगी और फिर इसको आपको इसकी टोटल फाइनल लुक दिखाऊँगी। ओके तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी मसाला आलू लोबिया की सब्ज़ी रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और झटपट बनने वाली है। और जो है कोई इससे खास इंग्रेडिएंट भी हमने यूज़ नहीं किए, और जो है बहुत ही मज़े की बनी है। और इसके साथ में आप जो है रोटी, गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाएँ, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी कि आपको। और उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी सिंपल सी सादा सी जो है आलू लोबिया की रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कैसी बनी है, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन रेसिपी की आप तक पहुँच सके। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।